फटाफट खबरों के बीच बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें चीन से। कोरोना के चलते आज से चीन के बीजिंग में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। चीन में बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना नियम और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। बीजिंग की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख है और इस हफ्ते में 3 बार पूरे शहर के कोरोना टेस्ट के आदेश भी हो चुके हैं। आज बीजिंग में कोरोना की 3री सामूहिक टेस्टिंग होगी। लगातार सामूहिक टेस्टिंग चल रही है चीन में और अब बीजिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख की आबादी है और अब स्कूल्स को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद रहेंगे यानी कि अगले आदेश तक। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में हुए 2 धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये धमाके मजार शरीफ शहर में 2 अलग-अलग गाड़ियों में हुए। अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एक हवाई जहाज, 5 क्रूज मिसाइलों और 9 UAV को बर्बाद कर दिया है। आज रूस और यूक्रेन युद्ध का 65वां दिन है। रूस की 5 क्रूज मिसाइलें 9 UAV बर्बाद की है। ABP News आपको रखे आगे।